Hello everyone, I'm Andrei Sama and welcome to my channel. In the previous session, we have completed the third part of question number 1. Okay, now we have the next part. And the fourth part, the equation is x minus 3y minus 7 equals to 0 and 3x minus 3y minus 15 equals to 0. Question aapka wahi hai that you have to find either the given pair of linear equation have unique solution, infinite solution or no solution. Agar unique solution hai, by using cross multiplication method you have to find the value of x and y. Chalo, the equation kya hai? So given that the equations pehli ho gayi aapki x minus 3y minus 7 equals to 0 and this is your first equation, okay, and similarly 3x minus 3y minus 15 equals to 0, this is your second equation. Theek hai? आप सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस वी गेट कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a1, b1 and c1. देखो 1 minus 3 minus 7 ये हो गई फर्स्ट वाली, ओके. सिमिलरली ऑन सेकेंड यू विल गेट a2 b2, ओके, एंड c2 एज वेल. तो a2 b2 क्या हो जाएगी, 3 minus 3 और minus 15. ठीक है, ये था -3 और -7. अब ध्यान से देखना, रेशियो निकालनी है. अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ चुकी है, देन आफ्टर यू विल फाइंड a1 by a2. तो a1 by a2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 by 3. सिमिलरली b1 by b2 इज व्हाट, -3 by -3, इट इज 1. और c1 by c2 की जो वैल्यू है दैट इज -7 by -15, ओके, इट इज 7 by 15. थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, सिंस a1 by a2 not equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. अगर ऐसा है तो आपको पहले से पता होगा दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन. और इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर कंडीशन होता है दैट मीन्स पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. फिर क्या लिखोगे, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations will have unique solution. ठीक है, unique solution है तो cross multiplication solve करनी है तो क्या लिखोगे, since by cross multiplication method we have. अब वहाँ से आप क्या जानते हो, वही सबसे पहले x होता है, देन आफ्टर इट इज़ y, देन आफ्टर इट इज़ व्हाट, 1. ट्रिक मैंने बताया था, पहले bc से स्टार्ट होगा, इट विल बी व्हाट, bc minus bc, ये हो जाएगा ca minus ca, एंड इट विल बी व्हाट, ab minus ab. और आपको अगर याद होगी ये जो साइकिल फॉलो करते हुए होता है, देन आफ्टर इट इज़ व्हाट, यू विल राइट 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, एंड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, अब इसमें सिंपली सी बात है, वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा आप नोट कर लो. हाँ जी, नोट कर लिया, चलो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ. चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, b1 c2, यहाँ देखो b1 और c2, -3 -15, x upon -3 -15 माइनस b2 c1 -3 -7 -3 -7 इज इक्वल्स टू y upon c1 a2. देखो c1 a2 -7 और 3, तो -7 और 3 माइनस c2 a1, तो c2 a1 -15 और 1, -15 और ये हो गया 1, और 1 के नीचे आपको हो जाएगा a1 b2. देखो तो a1 b2 1 माइनस 3
So it will be 1 minus 3 minus of a2 b1 3 minus 3 ये आपका हो जाएगा 3 ये हो जाएगा minus 3 it will be minus 3 ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x upon ये हो गया 45 प्लस में ये हो गया आपका प्लस माइनस ऑफ 21 एंड इट इज़ y upon माइनस 21 प्लस 15 एंड इट इज़ 1 upon माइनस 3 प्लस 9 ठीक है। अब वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी x upon 5 माइनस 1 4 2 इज इक्वल्स टू y upon 6 हाँ इज इक्वल्स टू 1 upon 6। अब बताओ भाई y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई तो फोर्थ पार्ट है और यहाँ पे जो माइनस 21 है तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगी तो इसको नीचे वाला भी मैं इरेज कर रहा हूँ ओके। तो नाउ व्हाट विल फाइंड अब यहाँ देखो आप लेते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या लिखोगे पहले टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट वी गेट फर्स्ट एंड लास्ट की वैल्यू लेते हैं दैट इज़ व्हाट x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6 ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/6 x इज इक्वल्स टू 4 या ठीक है। चलो सो नाउ टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट अब सेकेंड एंड लास्ट आप लोगों से क्या हो जाएगा वाई बाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 1/6 ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 6/6 तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिला बताओ तो हेंस वी गेट एक्स इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड वाई इक्वल्स टू 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर ओके। This was all about this question and in next lesson we will discuss next part okay. Thank you very much and take care.